गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज धीरेन सर। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धीरेन सर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, टुडे योर ऑनलाइन क्लास फॉर क्लास 12th आईपी। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द रिवाइज्ड सिलेबस सिलेबस दैट इज रिवाइज्ड बाय द सीबीएसई फॉर दिस ईयर। So I open this PDF file of the revised informatics practices syllabus. First of all, I discuss about your syllabus, revised informatics practices for 2020-21. So students, this is your distribution of marks and periods. Introduction to computer system. No, this is for the class 11. Sorry, I. आगे आप आइए, थोड़ा सा नीचे होगा। हाँ, दिस दिस इज इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। दिस इज योर सिलेबस। इन योर सिलेबस देर आर फोर यूनिट्स, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडाज एंड डेटा विजुअलाइजेशन, दिस विल कम अप 25 मार्क्स। डेटाबेस क्वेरी using SQL 25, introduction to computer networks 10, and fourth unit is your societal impact, this will also come to 10 marks. Student, I send a picture in your class group, class 12 group today. So see that picture and you have to purchase that book. That book is revised book of Sumita Arora. That book is available in Amazon. If you don't have the book in the market, then you can purchase that book from the Amazon. So this is the distribution of your marks of informatics practices. There are four units. In previous online classes, I explained unit 2, introduction to computer networks and societal impacts. Students, books now not available. So after when the book will be available, then I will start your unit number 1, data handling using pandas and data visualization, because no student have book right now. So from this unit number 3, introduction to computer network, it will comes out 10 marks in your board exam. This is your unit wise syllabus, data visualization, database query using SQL, introduction to computer network, introduction to computer networks, introduction to networks, type of network, LAN, MAN, WAN. This is your content for the unit number 3, introduction to computer network. I will send this PDF in your group today. Now students, I close that one, and I also request you to subscribe my channel and like it. I close this, and now I open your unit number 3, computer network. ओपन हो रही है आपकी। वेट, वन मिनट। आई अगेन क्लोज करके मैं फिर आपको क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ। दिस इज नाउ आई ओपन। One minute. हाँ, ये आपकी बुक, आपकी ये आपको ओपन हो गया। दिस इज योर कंप्यूटर नेटवर्क।
कंप्यूटर नेटवर्क्स एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा, इसमें आपको देखिए कंप्यूटर नेटवर्क्स एज पर लेटेस्ट सिलेबस। इन दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेज, मैक एड्रेस, स्विच, राउटर्स, गेटवे, हब एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क दिस टर्म, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर का नेटवर्क आप किसको बोलोगे? कंप्यूटर नेटवर्क किसे बोलेंगे आप? व्हेन यू कनेक्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स वाया वायर और एनी वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। या तो आप उसको वायर से, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को अगर आप क्या कर रहे हो, वायर से जुड़ रहे हो या वायरलेस से वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो, देन इट फॉर्म्स द कंप्यूटर नेटवर्क। मिनिमम कंप्यूटर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क इज टू, मैक्सिमम इट विल बी अनलिमिटेड। लाइक इन इंटरनेट, इंटरनेट देर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो स्टूडेंट्स, लाइक दिस पिक्चर, मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन द ग्लोब। कंप्यूटर नेटवर्क ए ब्रीफ ओवरव्यू, सेवरल डिवाइसेज कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन और ट्रांसफर ऑफ डेटा कॉन्स्टिट्यूएट ए नेटवर्क। ए नेटवर्क कैन कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर, ए फैक्स मशीन, प्रिंटर, कैमरा और ए सेल फोन। आप जब कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो जब कंप्यूटर्स को आप जोड़ते हो आपस में, या तो आप उसके साथ फैक्स मशीन मान लीजिए कनेक्ट कर दिए, साथ में आपने प्रिंटर भी कनेक्ट कर दिया, कैमरा, सेल फोन, देन इट फॉर्म्स ए कंप्यूटर नेटवर्क। मिनिमम कंप्यूटर्स फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क इज टू एंड मैक्सिमम कंप्यूटर फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क इज अनलिमिटेड। ए कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स इज कॉल्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क। टू कंप्यूटर्स और डिवाइसेज आर सेट टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर बाई ए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स। एवरी वन नोज अबाउट द प्रोटोकॉल। वॉट आर द प्रोटोकॉल्स? प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स। अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स इफ यू कनेक्ट networks or computer, then it forms a computer network. Now students, I come to the next page. I close that one and I open the next page. Many pages are open. Now this is your next page of your chapter. Zoom कर देता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, आपको क्लियर दिखाई देगा। ये दिस इज द कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आप देखिए प्रिंटर इज अटैच्ड, यूजर पीसी, ऑल दीज आर द पीसी, दिस इज योर वाईफाई राउटर, दिस इज अटैच विद प्रिंटर, दिस इज आल्सो ए प्रिंटर, दीज आर द सर्वर्स। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर नेटवर्क डायग्राम। स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेज कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क के एडवांटेज क्या है? हम तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज योर रिसोर्स शेयरिंग। प्राइमरी यूज ऑफ ए नेटवर्क इज टू शेयर अमंग यूजर्स प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस, डेटा एंड पेरिफेरल डिवाइसेज कनेक्टेड टू द नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग मीन्स कि कंप्यूटर के साथ सपोज यू आर कनेक्टेड ए प्रिंटर, मान लीजिए आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया, उसके साथ आपने क्या किया, एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया, एक प्रिंटर भी साथ में जोड़ दिया। तो अगर सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं तो वो एक सिंगल प्रिंटर को क्या करेगा, सिंगल प्रिंटर, उसको आप क्या बोल सकते हो, रिसोर्स। तो जितने भी यूजर्स उस कंप्यूटर नेटवर्क में हैं तो ऑल द यूजर्स विल शेयर, वो जो आपका प्रिंटर सिंगल प्रिंटर है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। तो कोई भी अगर ऐसी डिवाइस आपने अपने नेटवर्क साथ कनेक्ट की हुई है, चाहे आपने फैक्स मशीन या आपने प्रिंटर, तो उसको क्या कर सकते हैं, सब लोग उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगी, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको एक से ज्यादा आपको प्रिंटर की लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ योर कंप्यूटर नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग।
Second is improved communication. Computer networks enable fast, reliable and secure communication between users. Everyone knows that about that improved communication. Now next advantage is your reduced communication cost. Sharing resources also reduce communication cost. अगर आपने प्रिंटर लगाया हुआ है तो एक प्रिंटर से सबका काम चल रहा है. अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया होता, उस प्रिंटर को अटैच नहीं किया होता, तो सबके लिए आपको क्या करना पड़ता, अलग अलग प्रिंटर्स आपको लेने पड़ते. रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. रिलायबिलिटी मीन्स बैकिंग ऑफ ऑफ डेटा. मीन्स इन ए नेटवर्क यू कैन बैकिंग ऑफ ऑफ योर डेटा. मीन्स द डेटा कैन बी कॉपीड एंड स्टोर्ड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स. Now next advantage, I close this one and I open this page. I zoom it. Last advantage of computer network is central storage of data. Means files can be stored on a central node. Means the file server. अगर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, उनमें से एक मेन आपने उसको सर्वर को रखा हुआ है, तो जितना भी आपका डेटा है उस सर्वर पे क्या होगा, ऑल दैट डेटा विल बी स्टोर्ड. नाउ स्टूडेंट्स, आई कम टू द एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क. कि आपका नेटवर्क का कैसे, आपका कब से स्टार्ट हुआ और क्या हिस्ट्री, यू कैन से दैट व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द नेटवर्क. तो ARPANET, इन क्लास 10th मैं पढ़ाया हुआ था मैंने ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. अमेरिका में यूएस की डिफेंस एजेंसी है, उसने इसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ था. उधर की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने आपस में दो कंप्यूटर से लेके चार कंप्यूटर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रख के आपस में कनेक्ट कराया हुआ था. तो आपको बोल सकते हो कि उस जगह से आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एवोल्यूशन हुआ. यूएस डिफेंस एजेंसी ने उसका नाम दिया हुआ था प्रोजेक्ट का ARPANET. Second, NSFNet, National Science Federation Network. In the mid-80s, another federal agency, National Service Federation Network, created a new network which were more efficient than ARPANET. उसके बाद क्या हुआ कि ये आपका एक दूसरा आपका नेटवर्क आपका बना, उसका नाम दिया उन्होंने NSFNet. ये आपका ARPANET से और ज्यादा आपका क्या था, रिलायबल था. ये आपका फिर मिलके क्या हुआ, ARPANET प्लस NSFNet प्लस प्राइवेट नेटवर्क्स, इन सबको जोड़ के आप कह सकते हो आपको क्या, इंटरनेट. दिस इज द पिक्चर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट. यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द दिस पिक्चर. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पेज. इंटरनेट पता है आपको, आजकल हर लोग यूज कर रहे हैं आपका. तो जो आप मैंने अभी बताया ARPANET एंड CFSNet, उसको आप हिस्ट्री भी बता सकते हो कि दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. इन द 1990s इंटरनेट विच इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द ARPANET. मैंने बोला ना कि ARPANET प्रोजेक्ट से ही आप बोल सकते हो इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई. Large networks share a common communication protocol TCP/IP. TCP means Transmission Control Protocol and IP Internet Protocol. Very important protocol is this. So students, you see this video and after seeing this video, you have to make the notes and send it to me before the 3 o'clock. Okay students, thank you.